इस वक्त जियो न्यूज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देगा। वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ, जियो न्यूज ने अंदरूनी कहानी मालूम कर ली है। जराए के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली ने वजीर आजम को मशवरे दिए, जो हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है कोई मौजजा ही आपको बचा सकता है, ये वजीर दाखिला ने कहा वजीर आजम से। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मैं बात करता हूं और मुंह पर बात करता हूं। इससे पहले मुख्तलिफ बातें उनसे मुतालिक आ रही थी और उनकी शिरकत से मुतालिक इजलास में गुज़श्ता रोज के वफाकी काबीना के इजलास से मुतालिक ये बात है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या पता लगा है चौधरी निसार और वजीर आजम की गुफ्तगू के बारे में? जुनेद, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास गुज़श्ता रोज हुआ था, उसके अंदरूनी सिचुएशन के हवाले से बाज़ वफाकी वज़रा की तरफ से ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई और कल हमने एक स्टोरी भी चलाई कि सब कुछ अच्छा अंदर हुआ है और चौधरी निसार वेल विशर है प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन आज हमें आला सतह ज़राए से ये मालूम हो पाया है कि असल कहानी अंदर क्या हुई। वजीर दाखिला चौधरी निसार वहां पर खुलकर बोले, गिले शिकवे भी किए, अपने माजी के जो तल्लुकात हैं इस पार्टी के साथ उनका भी इजहार किया और वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए। उन्होंने वाज़े किया कि वो जो भी बात कहते हैं मुंह पर कहते हैं, कभी खुशामद नहीं करते, हमेशा हकायक पर बात की है। आज जो कुछ हो रहा है, खुशामदी मुशीरों ने सूरत हाल को आज इस मकाम पर पहुंचाया है, सारे मामले को मिस हैंडल किया गया है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है इसमें कोई मौजजा ही आपको बचा सकता है, मैं तो आपके लिए सिर्फ दुआ गो हूँ। ये भी बताया गया है, जराए ने बताया है कि कुछ ताखीर से पहुंचने के बाद वजीर दाखिला मुसलसल चेहरे पर खफगी ताई रखी रखी, उन्होंने वजीर आजम से सिर्फ सलाम दुआ की और किसी से बात नहीं की। वजीर आजम के खिताब के बाद जब वजीर दाखिला चौधरी निसार के बोलने की बारी आई तो उन्होंने खुल का इजहार किया और दिल की भड़ास भी निकाली, बोले इदारों के साथ तसादम नहीं होना चाहिए, कोई बेहतर रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने इशारों किनायों से इस बात का भी इंदिया दिया और यह भी तासुर दिया कि मौजूदा सूरत हाल में उनका कोई हाथ नहीं, जिनकी तरफ बाज़ हुकूमती लोगों की तरफ से इजहार किया जा रहा है। इन हालात के दौरान जो तकरीरें की गई हैं वो भी नहीं होनी चाहिए थी। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि 1985 के से आपके साथ हर मौके पर खड़ा रहा हूँ, पार्टी के साथ हमेशा वफादारी निभाई है, लेकिन अब कुछ अरसे से मशावरत का अमल महदूद कर दिया गया है, जूनियर लोगों को आगे लाया गया, मुझे किसी मशावरती अमल में शामिल नहीं रखा गया। जराए ने यह भी बताया है कि वजीर दाखिला का यह कहना था कि सियासी और लीगल टीम मामलात को सही तरह से हैंडल नहीं कर सकी है। वजीर दाखिला ने हालिया दौर और माजी के कई अहम वाकयात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर खारजा बनने की भी ख्वाहिश की थी, तब से आज तक कभी उन्होंने और वजीर आजम से कोई डिमांड नहीं की है। वजीर दाखिला ने अपने तवील खिताब में वजीर आजम से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको बुलाया और ये भी कहा कि वो जो भी बात कहते हैं वो खरी बात करते हैं।